बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और इस चैप्टर में बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, और आज हम इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर्स के रूल। तो बच्चों देखते हैं नोमेनक्लेचर। तो बच्चों नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का नेम कॉइन करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रूल होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है उनके लोकल नेम जो होते हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। इनको हम वर्नेकुलर नेम भी बोलते हैं। तो ये नेम तो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड यदि हम कॉमन नेम यूज़ करते हैं तो उसका साइंटिफिक पर्पज़ जो है वो सॉल्व होता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम कंसिडर करने बनाने के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप के नोमेनक्लेचर सिस्टम्स आए, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या होता है पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो बच्चों पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो बहुत सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है, और ये वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के उसको बताते होते हैं। जैसे कैरियोफिलम का जो पॉलीनोमियल नेम था वो था कैरियोफिलम सेक्सेटिलिस फॉलिस ग्रैमिनस अमिलिटिस कोरम्बिस। बट बच्चों इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ऐसे नेम्स जो हैं उनको ध्यान रखना बड़ा ही मुश्किल है। और बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। फिर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो बच्चों वो हक्सलैंड और स्ट्रिकलैंड ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका नेम जो है थ्री वर्ड्स से बना हुआ है, जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप देख रहे हैं, जैसे कॉलीफ्लावर का नाम है ब्रासिका ओलेरेशिया बॉटरेडेस। तो ब्रासिका जो होगा वो जीनस होगा, जेनरिक नेम होगा, ओलेरेशिया स्पेसिफिक एपिथेट होगा, और बॉटरेडिस जो है वो सब स्पेसिफिक एपिथेट होगा। इसी तरीके से ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, तो जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज। ठीक है बच्चों, यह प्लांट के अंदर वेराइटी। तो बच्चों ऐसे ही ह्यूमन का यदि मैं ट्राइनोमियल नेम बताऊँ तो क्या होता है ह्यूमन का नेम, होमो सेपियंस सेपियंस, ये ह्यूमन का बॉटनिकल नेम है। ऐसे में क्रो का यदि सॉरी साइंटिफिक नेम है, क्रो का साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम बताऊं तो क्या होगा, कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो बच्चों इस तरीके से नेम जिसमें आप देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट नेम जो है टोटल नेम जो है वो थ्री वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट नेम जो है वो जेनरिक नेम, सेकंड जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट, और थर्ड जो है वो सब स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। अब बच्चों हम बात करते हैं बाइनोमियल सिस्टम की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है उसको सबसे पहले यूज़ किया था बच्चों किसने, सबसे पहले इसको यूज़ किया था गास्पर्ड बाइन ने। इसकी बुक थी पाइनिक्स थिएटर बॉटनिका। और बच्चों उसके बाद में जो लिनियस है इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसके लिए रूल्स वगैरह बनाए, इसीलिए हम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसका क्रेडिट जो है वो किसको देते हैं, लिनियस को, और बोलते हैं कि लिनियस इज़ द फाउंडर और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। इन्होंने बहुत सारे प्लांट और एनिमल के नेम जो है वो अपनी बुक में लिखे थे। प्लांट के नेम जो है वो 1753 में जो बुक रिलीज हुई थी, पब्लिश हुई थी, नाम था बुक का स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें दिए गए थे। और एनिमल का नेम जो है वो 1 अगस्त 1758 को दिया था, वो बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो ये दो बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल के नेम दिए गए थे और स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट के नेम जो है वो दिए गए थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं रूल्स, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के जो मेन रूल्स हैं बच्चों वो क्या क्या हैं, कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है बच्चों इसका वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। मतलब यदि कोई एक ही ऑर्गेनिज्म के दो साइंटिस्ट नेम दे दें, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म का दो नाम होगा, तो बच्चों कौन सा नेम होगा जो वैलिड होगा, वो नेम जो पहले दिया गया होगा कब, लेकिन ये रूल एप्लीकेबल होगा फर्स्ट में 1753 के बाद में प्लांट के लिए और 1758 के बाद में एनिमल्स के लिए। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये ऑर्गेनिज्म का नेम लिखने के लिए जो कोड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। और यदि हम एनिमल की बात करें, ये कब आया था, कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज नॉन एज ICBN एक्सेप्टेड इन 1961। और ये बाद में इसके अंदर चेंजेस आए थे और रिपब्लिश हुआ था 1978 के अंदर। ठीक है बच्चों। और ऐसे यदि हम बात करें एनिमल के लिए, तो एनिमल का क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों ICZN। तो बच्चों इस तरीके से एनिमल और प्लांट जो हैं उनके नोमेनक्लेचर के लिए कोड होते हैं ICBN, ICZN। इसके अलावा कुछ और भी कोड है, ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, एंड ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। ठीक है बच्चों, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है बच्चों उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम, नेम ऑफ स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू एपिथेट। पहला क्या होता है, जेनरिक नेम या जेनरिक एपिथेट। दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, जेनरिक नेम, सेकेंड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, फर्स्ट वर्ड मेंजीफेरा जो है वो जेनरिक नेम है, सेकेंड वर्ड इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम मस्ट बी इन कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ साइंटिफिक स्पेसिफिक एपिथेट मस्ट बी इन स्मॉल। जैसे यहाँ पर मेंजीफेरा है तो एम क्या है, कैपिटल, और आई क्या है, स्मॉल। तो ये रूल है। एंड जो यदि कभी ऐसा हो जाए कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर यूटोमियम सुब्रमण्यम में एस जो है वो कैपिटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। लेंथ ऑफ नेम जो है वो 3 to 12 लेटर होना चाहिए बच्चों, जैसा कि मंजीफर इंडिका में आप देख पा रहे हैं। बट इसका एक्सेप्शन है रिक्सिया पठानकोटेंसिस, तो पठानकोटेंसिस वर्ड जो है बच्चों ये 12 लेटर से ज़्यादा हो जाता है। इन प्लांट नोमेनक्लेचर टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड, प्लांट नोमेनक्लेचर में टोटोनिम्स जो है वो वैलिड नहीं होते बच्चों। जैसे मेंजीफेरा मेंजीफेरा वैलिड नहीं है, जबकि एनिमल में टोटोनिम्स जो है वो वैलिड होते बच्चों। टोटोनिम्स होते क्या है, टोटोनिम्स का मतलब होता है जहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट एंड सब स्पेसिफिक एपिथेट, सॉरी जेनरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो। जैसे नाजा नाजा, रेटस रेटस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटोनिम्स। टोटोनिम्स एनिमल में तो वैलिड है बट प्लांट में वैलिड नहीं है। वेन साइंटिफिक नेम रिटन विद फ्री हैंड और टाइप्ड, जेनरिक नेम मस्ट बी, स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। तो बच्चों जब लिखते हैं तब उस केस में क्या होता है, उस केस में हम दोनों को अंडरलाइन करते हैं। प्रिंटेड कंडीशन में क्या होता है, प्रिंटेड कंडीशन में इटैलिसाइज्ड होता है, यानी इटैलिक्स में उसको टाइप किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेंजीफेरा। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द नोमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं मेंजीफेरा इंडिका, यदि हैंड रिटन कंडीशन होता तो हम क्या करते, इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर देते। बट जो साइंटिस्ट का नेम होगा ना तो वो इटैलिक्स में होगा ना हम उसको अंडरलाइन करेंगे, तो सिंपल अल्फ़ाबेट में या रोमन लेटर्स में होता है। यदि कोई साइंटिस्ट रॉन्ग नेम देगा और उसका करेक्शन होगा तब क्या रूल रहता है बच्चों, कि जैसे यहाँ पर सुगा कैनेडेंसिस है, तो सुगा कैनेडेंसिस का पुराना नाम था पाइनस कैनेडेंसिस, जिसको कि सेलिसबरी ने करेक्ट किया और बताया कि ये पाइनस जीनस से नहीं कोई और जीनस से बिलोंग करता है, और नाम दिया सुगा कैनेडेंसिस। तो लीनियस ने रॉन्ग नेम दिया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लीनियस के नेम को ब्रैकेट में लिखते हैं और सेलिसबरी को ब्रैकेट के बाद में रखते हैं। तो ये रूल होता है यदि कोई साइंटिस्ट किसी नेम को करेक्ट करे तो। और बच्चों साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज। तो बच्चों नॉर्मली साइंटिफिक नेम लिखने के लिए हम डेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बट अदर लैंग्वेज भी यूज़ किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ नोमेनक्लेचर, बच्चों नोमेनक्लेचर का क्या सिग्निफिकेंस है, कि ऐसे नेम जो है वो यूनिवर्सल होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं, इनके अंदर प्लांट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखे कि क्या होता है नोमेनक्लेचर सिस्टम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्या कोड है उसके लिए, और क्या रूल्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद में देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो बच्चों देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअली क्लासिफिकेशन इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक सीधे एक स्टेप में क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि बच्चों क्लासिफिकेशन जो है वो मल्टीपल स्टेप में होता है ऑर्गेनिज्म का। तो जो भी स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के, उस ऑर्गेनिज्म को हम जितने स्टेप वाइज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उन कैटेगरीज को ही हम क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और बच्चों 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं, और वो 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन से बच्चों, वो है किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज।
मतलब ये सेवन कैटेगरी जो है वो हर क्लासिफिकेशन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी यदि मैं बताऊँ कि डिवीज़न जो है, डिवीज़न हम प्लांट के लिए यूज़ करेंगे और एनिमल के लिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बच्चों फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो डिवीज़न और फाइलम जो होगा वो डिवीज़न प्लांट के लिए होगा, फाइलम जो है वो एनिमल के लिए होगा, तो ये एनिमल प्लांट में वेरी करता है। और यहाँ पर सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी जो है बच्चों वो स्पीसीज़ है, हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो किंगडम है। तो बच्चों किसी भी क्लासिफिकेशन में ये सेवन कैटेगरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ये सेवन जो है वो क्या है बच्चों, ये है ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब इनके अलावा यदि कोई और कैटेगरी हम यूज़ करते हैं इनके बीच में तो हम बच्चों उसको बोल देते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी, और यदि कोई कैटेगरी स्पीसीज़ के नीचे होती है तो उसको बोलते हैं इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। यानी कैटेगरी जो है वो तीन टाइप की हो गई, कौन कौन सी, एक तो हो गई ऑब्लिगेट कैटेगरी, एक हो गई इंटरमीडिएट कैटेगरी, और एक होती है इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी यदि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो फॉलो करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको बोलते हैं बच्चों हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यानी कि या तो हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएँ या फिर उल्टा कि हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएं, तो ये जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा बच्चों इसके लिए ही हम वर्ड यूज़ करेंगे क्या, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या है, स्पीसीज। बच्चों लोएस्ट कैटेगरी में एक स्पीसीज, जैसे एक कैटेगरी की बात करते हैं उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर सिमिलैरिटीज जो होती है वो मैक्सिमम होती हैं, यानी कि मैक्सिमम सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होंगे किस लेवल पे, स्पीसीज़ के लेवल पे, और जो मैक्सिमम डिफरेंस है, मिनिमम सिमिलैरिटीज जो हैं वो प्रेजेंट होगी किस कैटेगरी पे, वो अपर मोस्ट कैटेगरीज पे, कैटेगरी पे पॉसिबल होगी जो होगा किंगडम। बच्चों रीसेंट क्लासिफिकेशन में किंगडम के ऊपर एक और कैटेगरी जो है वो बनाई हुई है, उसको बोलते हैं हम डोमेन। ठीक है बच्चों, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, तो इस तरीके से ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। बच्चों यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लो ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करना है, तो ह्यूमन के क्लासिफिकेशन में ये किंगडम किस में आएगा, एनिमेलिया में। अब किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, तो उसमें से भी फाइलम कॉर्डेटा जो है उसके अंदर ह्यूमन आता है, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर जो होता है वो होता है इसका ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, और स्पीसीज होमोसेपियंस। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं टैक्सोन, आखिर टैक्सोन क्या होता है। जब हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करें तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जैसे किंगडम में यदि हम बात करें तो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो किंगडम लेवल पे हम डिफरेंट ग्रुप्स देख रहे हैं, वो ग्रुप जिनके अंदर सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ किंगडम प्लांटी, तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स रखे हुए हैं, किंगडम एनिमेलिया, तो ऐसे डिफरेंट एक ही कैटेगरी के अंदर डिफरेंट वो ग्रुप जिनमें सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे हुए होंगे उनको बोलते हैं हम टैक्सोन। इसका मतलब क्या होगा, टैक्सोन इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट दैट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो बच्चों आप ध्यान रखोगे कैटेगरी क्या होगी, किंगडम, और टैक्सोन क्या होगा, टैक्सोन होगा जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। ऐसे हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, लेकिन जब हम ह्यूमन की बात करते हैं होमोसेपियंस एक स्पीसीज है, यदि हम यानी एक टैक्सोन हो गया। ऐसे यदि हम बात करें कि पेंथेरा लियो तो वो क्या हो जाएगा, वो स्पीसीज हो जाएगा। ऐसे जीनस में पेंथेरा, तो पेंथेरा एक जीनस हो गया। मान लो सोलेनम, सोलेनम एक जीनस हो गया। तो इस तरीके से हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन। और टैक्सोन टर्म जो है वो एडोल्फ मेयर ने दिया था और एच जे लॉन ने टैक्सोन टर्म जो है उसको प्लांट के लिए यूज़ किया था। ठीक है बच्चों, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, हायरार्की क्या होती है और टैक्सोन क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन है कि राइस मोनोकॉट एंड प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन, ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेम कैटेगरी सेम टैक्सोन।
या फिर डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट टैक्सोन, या फिर ऑप्शन दिया हुआ है सेम कैटेगरी बट डिफरेंट टैक्सोन, या फिर एक और ऑप्शन डिफरेंट कैटेगरी सेम टैक्सोन। तो बच्चों ये चार ऑप्शन मैंने बनाए, अब आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा सही। तो बच्चों राइस, राइस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कैटेगरी स्पीसीज। तो राइस जो है वो एक टैक्सोन है जो स्पीसीज कैटेगरी से बिलोंग करता है। ऐसे मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट जो है वो क्लास में आएगा, यानी कैटेगरी क्या होगी क्लास, और टैक्सोन क्या हुआ मोनोकॉट, क्योंकि मोनोकॉट जो है वो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट किंगडम है बच्चों, और डिफरेंट टाइप की प्लांट जो है वो इसके अंदर आते हैं। तो इसका मतलब तीनों का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिफरेंट है। तो डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट लेवल या डिफरेंट रैंक, बच्चों हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कैटेगरी लेवल और रैंक, और तो क्या हो गया डिफरेंट कैटेगरी। और इनके अंदर हम जो ग्रुप देख रहे हैं ये ग्रुप भी अलग अलग ही हैं, क्योंकि राइस एक ग्रुप है, मोनोकॉट एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, प्लांट एक का है। तो इसका आंसर क्या बेस्ट रहेगा डिफरेंट कैटेगरी एंड डिफरेंट टैक्सा। ठीक है बच्चों, अब यदि क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कौन सी कैटेगरी है जिसमें ये राइस मोनोकॉट और प्लांट ये तीनों एक साथ इंक्लूड हो सकते हैं, तो बच्चों हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो प्लांटी किंगडम होगा उसके अंदर प्लांट्स ऑल प्लांट्स आ जाएंगे इंक्लूडिंग मोनोकॉट एंड राइस। तो हम बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ किंगडम राइस मोनोकॉट एंड प्लांट्स कैन बी इंक्लूडेड इन सेम टैक्सोन दैट इज किंगडम प्लांटी। ठीक है बच्चों, तो टैक्सोन जो है और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है ये टैक्सोन है। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे हम देखते हैं कि कैटेगरी ऊपर की तरफ जाती है, जितना हायर कैटेगरी होगा उसमें क्या होगा उसमें सिमिलर कैरेक्टर उतने ही कम होंगे। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में या उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप तक पहुंचाने में उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन वी गो फ्रॉम लोअर टैक्सा टू अपर टैक्सा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखते हैं हम एक एक करके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिटेल में। जैसे सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं स्पीसीज, स्पीसीज एक बेसिक जो लोअर मोस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है। बच्चों टैक्सोन को हम यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो लोएस्ट कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन की वो क्या है स्पीसीज, और स्पीसीज जो है वो टर्म दिया था जॉन रे ने। स्पीसीज को हम बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटली सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रुप जो है वो स्पीसीज बोलते हैं हम। लेकिन ये स्पीसीज जो है इसको नेचुरल यानी नेचुरली स्पीसीज जो है वो एक कैटेगरी बनी हुई है जो नेचर ने बनाया किस बेसिस पे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनका जीन पूल जो होता है वो भी कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपस में ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दे शेयर अ कॉमन जीन पूल। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि पाइसम सेटाइवम, मैंटीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, ये सारे जो है वो वन स्पीसीज में इंक्लूडेड होते हैं। फिर बच्चों ऐसे नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें हम जीनस, जीनस क्या होते हैं जीनस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जैसे हम पोटेटो या मकोई या ब्रिंजल इनकी बात करते हैं। तो ये तीन डिफरेंट क्या है जीनस है, लेकिन तीन डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन इनका जीनस जो है वो सेम है, वो क्या है सोलेनम। ऐसे लायन, लेपर्ड और टाइगर, ये तीनों डिफरेंट स्पीसीज हैं बट दे कैन बी हैविंग शेयरिंग कॉमन फीचर्स एट द लेवल ऑफ पैंथेरा जो कि क्या है जीनस है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जीनस लेवल पे फीचर जो है वो कॉमन होने लग जाएंगे। थर्ड कैटेगरी की बात करें बच्चों फैमिलीज, फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ठीक है बच्चों, और फैमिली के लेवल पे क्या होगा जीनस के फीचर सेम, जैसे कि हम बात करते हैं कि कैनिस जो डॉग होते हैं वो और वुल्फ, जैकल, तो ये सब सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं कैनिडी। ऐसे ही हम बात करते हैं कि सोलेनम, पिटोनिया, दतुरा, जीनस लेवल पे ये तीनों अलग हैं लेकिन फैमिली इनका कॉमन होगा वो है सोलेनेसी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम कैट की बात करें, पैंथेरा की बात करें, तो इनकी फैमिली कॉमन होगी कौन सी फैलिडी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, मिलते जुलते फैमिली जो है जिनके अंदर सिमिलर फीचर है उनको एक ऑर्डर में रख सकते हैं। बच्चों ऑर्डर का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हम बात करते हैं सोलेनेसी एक फैमिली है, कॉनवलवेलेसी एक फैमिली। बच्चों कॉनवलवेलेसी फैमिली जो है इसके अंदर इपोमिया बटाटा आता है और इनको हम एक ऑर्डर में इंक्लूड कर सकते हैं, वो ऑर्डर क्या होगा पॉलीमोनियल्स। ऐसे ही फैलिडी कैनिडी,
बच्चों ये दो फैमिलीज हैं एनिमल की, और इनका ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है, उसका नाम है क्या, कार्निवोरा क्लास। बच्चों रिलेटेड फैमिली जो है वो इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, एक क्लास के अंदर। तो क्लास क्या होता है, क्लास इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं सेपिनडेल्स, सेपिनडेल्स ऑर्डर जो होगा बच्चों उसमें एल्स सफिक्स लगता है, जो भी फैमिली होती है उसमें ए सी लगता है बच्चों प्लांट के लिए। ऐसे ही सेपेंडेल्स पॉलीमोनियल्स, ये दोनों के दोनों यदि हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों ऑर्डर जो हैं उनके अंदर सिमिलर फीचर होंगे, किस लेवल पे जाके, क्लास लेवल पे, और वो क्लास क्या होगा, वो क्लास होगा डाइकॉट। ठीक है बच्चों, तो क्लास डाइकॉट, तो डाइकॉट जो होगा उसके अंदर कॉटिलिड, क्लास के अंदर कॉटिलिडनी वर्ड लगता है या फाइसी वर्ड लगता है बच्चों सफिक्स। और एनिमल के अंदर यदि हम बात करें तो ऑर्डर प्राइमेटा और कार्निवोरा, इनको हम क्लास मेमेलिया में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों फाइलम और डिवीजन, मैंने जैसा कि बताया था आपको कि फाइलम और डिवीजन जो है ये एनिमल और प्लांट इनके लिए वेरी करता है। एनिमल में फाइलम, प्लांट के अंदर डिवीजन जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर डिफरेंट क्लासेस आ सकते हैं, जैसे मेमेलिया, एव्स, रेप्टाइल, एम्फीबिया, पाइसिस, तो ऐसे डिफरेंट क्लास हो सकते हैं। ऐसे ही क्लास डाइकॉट और मोनोकॉट, उनको इंक्लूड करते हैं हम डिवीजन एंजियोस्पर्मी में। ठीक है बच्चों, किंगडम, किंगडम इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और बहुत सारे फाइलम और डिवीजन मिलकर के ये बनाते हैं, जैसे कि किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी के अंदर ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ऐसे डिवीजन इंक्लूडेड होते हैं। ऐसे ही किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया में फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के और कॉर्डेटा तक सारे के सारे फाइलम इंक्लूड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में हर जो ऊपर वाला नेक्स्ट किंगडम होता है, नेक्स्ट कैटेगरी होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो अपने नीचे वाले कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के रूप फॉर्म में होता है, और सिमिलर फीचर्स के बेसिस पे ये ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि मैन का क्लासिफिकेशन यदि हमको करना है तो मैन जो है उसका बायोलॉजिकल नेम यानी कि स्पीसीज होगा वो होमोसेपियंस होगा, जीनस होमो होगा, फैमिली होमोनिडी होगी, और प्राइमेटा मेमेलिया। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मसिडी, तो आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ईडी यदि लगा हुआ है तो वो फैमिली होगा एनिमल के लिए। प्राइमेटा ह्यूमन का था, डिप्टेरा ऑर्डर जो है वो हाउस फ्लाई का होता है, इंसेक्टा क्लास होता है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। ऐसे मैंगो, तो मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका स्पीसीज, जीनस मैंजीफेरा, और फैमिली एनाकार्डेसी, फैमिली में क्या लगता है, एसी लगता है, ऑर्डर सेपिनडेल्स एल्स लगता है, क्लास डाइकोटिलेडनी कॉटिलेडनी लगता है, और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। और ऐसे ही वीट के लिए हम देख रहे हैं बच्चों ट्रिटिकम एस्टिवम स्पीसीज, ट्रिटिकम जीनस, पोएसी एसी लगा हुआ है बच्चों, पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर हो जाएगा, मोनोकॉटिलेडनी का मेंबर है और एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, बच्चों देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो लिनियस ने दिया था, टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट जो है वो एरिस्टोटल ने दिया था, डायनेमिक कंसेप्ट जो है स्पीसीज का वो लेमार्क ने दिया था। बट बच्चों जो इनमें सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिस जो कि दिया था किसने, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कि जो स्पीसीज है वो फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का, और ये क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली इंटरब्रीट कर सकते हैं नेचर में, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली इंटरब्रीट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं नेचर में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वन स्पीसीज में इंक्लूड करते हैं। यानी ये जो है बच्चों ये नेचुरल एक कैटेगरी हो गई, नेचर ने डिसाइड किया है जो किस बेस पे, इंटरब्रीडिंग के बेसिस पे, और जब वो नेचुरली इंटरब्रीड कर रहे होंगे तो कोई दूसरे स्पीसीज का जीन पूल एंटर नहीं होगा, इसका मतलब इनका जीन पूल जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा। ठीक है बच्चों, और लेकिन इसके कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहाँ पर हम नेचुरली तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ केस जो है वो हम देखते हैं स्पेशल केसेस। जैसे हम बात करते हैं कि स्टेराइल हाइब्रिड म्यूल और हिनी की बात करते हैं, तो म्यूल जो बनता है बच्चों वो किससे बनता है, वो डोंकी, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से हाइब्रिड बनता है। लेकिन बच्चों ये म्यूल जो है वो स्टेराइल होता है, इसीलिए डोंकी और मेयर जो है उसको हम सेम स्पीसीज में कंसिडर नहीं करेंगे। हिनी
हिनी, हिनी जो है बच्चों वो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी जो है उसके बीच में क्रॉस से बनता है, हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, ये भी स्टराइल होता है। फर्टाइल हाइब्रिड का एग्जाम्पल है बच्चों टाइकॉन और लाइगर, बट बच्चों ये नेचुरली नहीं होता है, ये आर्टिफिशियली कैप्टिव कंडीशन में बनाया गया है। तो टाइकॉन जो है वो मेल टाइगर और फीमेल लायन के क्रॉस से बनता है, और लाइगर जो है बच्चों वो मेल लायन और फीमेल टाइगर के बीच में क्रॉस करवा के बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान मीन्स ये कुछ ऐसे केस हो गए, ये फर्टाइल हाइब्रिड वाला जिसमें ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं वो कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरब्रीड कर रहे हैं, इनका ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल है, बट ये नेचुरल कंडीशन में होता है, ये नेचुरल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नाउ एक और भी टर्म आपको बता देता हूँ, इको स्पीसीज क्या होता है। बच्चों यदि दो स्पीसीज हम देख रहे हैं जो फंडामेंटली एक जैसा दिख रहा है हमको सेम, और वो इवन रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं बट नेचुरली वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ नेचुरल इंटरप्शन होते हैं जिसकी वजह से उनमें इंटरब्रीडिंग नहीं होती, बट कैप्टिव कंडीशन में आर्टिफिशियली हम इंटरब्रीडिंग करवा सकते हैं, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इको स्पीसीज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने देखा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, और डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिटेल में देखा हमने, और स्पीसीज का कंसेप्ट जो है उसको भी हमने समझा। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।